एक बहुत ही ऑकवर्ड टीनेजर था जिसके एक भी गर्लफ्रेंड बन नहीं रही थी। बाद में उसके थोड़े थोड़े टाइम के लिए दो गर्लफ्रेंड बनती है, पर दोनों ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। कुछ ऐसे इवेंट हुए जिस वजह से एक साथ दोनों गर्लफ्रेंड उसकी लाइफ में आ जाती है। अब वो क्या करेगा, ये हम आज के हमारी मूवी और रमोना 2019 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर रमोना को देखते हैं, जो स्कूल में बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉपुलर थी। हर कोई लड़का उसे अप्रोच करना चाहता था। एक रात एक पार्टी में हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है अंड्रे, उसे मन में अप्रोच करने का ट्राई कर रहा था। फ्रेंड्स ने पास आकर उसे कहा कि तुम्हें जाकर उसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है। एंड्रे फिर भी इस बात के लिए झिझक रहा था, तो अलग अलग सब्सटेंस मिलाया हुआ एक सिगरेट था जो उसके फ्रेंड ने उसे दिया, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो जाकर रमोना के पास अजीब सा डांस करने लग गया। इस अजीब डांस की वजह से उस पर तरस खाकर रमोना भी उसके साथ डांस करने लगती है। इसी मोमेंट पर उसे टॉयलेट आ गया। उसने टॉयलेट देखा तो वह बहुत ही ज्यादा गंदा था। वो बाहर निकलता है पर उसके पीछे पीछे रमोना भी आ गई। अगर रमोना ने उस तरीके का टॉयलेट देखा तो शायद उसे लगेगा कि एंड्रे ने किया था, इस वजह से उसे मना करता है। पर बाद में कोई अलग अंदर घुस गया और वो एंड्रे पर ही ब्लेम करता है। सारी स्कूल उसका बहुत मजाक उड़ाती है। रमोना के साथ उसकी फर्स्ट डेट ही बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। इस सब के बारे में अपने मदर से एडवाइस लेने की कोशिश करता है, तो उसकी मदर इतनी ज्यादा हेल्पफुल होती नहीं। एक रात फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में आता है। रमोना और उसकी फ्रेंड्स बात कर रही थी। फ्रेंड्स ने कहा कि एंड्रे तुम्हें बहुत लाइक करता है। उन्हें नहीं लगता था कि एंड्रे का किसी भी लड़की के साथ कोई भी एक्सपीरियंस है। एज एक टास्क रमोना डिसाइड करती है कि आज रात वो एंड्रे के साथ इंटीमेट होगी। एंड्रे के फ्रेंड्स ने भी उसे अप्रोच करने के लिए मोटिवेट किया। वो उसके पास जाकर डांस करने लगता है और रमोना भी उसे बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स देती है। रमोना फिर उसे एक रूम में लेकर के कहती है, उसे पता है कि तुम उससे बहुत टाइम से प्यार करते हो। उसे ये बात बहुत ही अच्छी लगी थी। वो दोनों इंटीमेट होने लग गए, पर एंड्रे कहता है कि मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी बॉडी के लिए नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और एक रिलेशनशिप चाहता हूँ। इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने नहीं वाला। हर कोई रमोना को चाहता था, पर एंड्रे से इस तरीके से डिनाइल मिलने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड्रे ने जो भी किया इस बात को लेकर सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अगली सुबह उसके फ्रेंड्स भी उस पर अपसेट थे। एंड्रे ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी इस तरीके का कोई भी चांस मिले तो इसका फायदा तुम्हें उठाना चाहिए। लाइफ में एक ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा फ्रेंड जिसका नाम था सिल्वो, उसने कहा कि तुमने अच्छा किया, तुमने अपने दिल की सुननी चाहिए। अगले दिन जाकर सिल्वो ने ही रमोना को प्रपोज कर दिया। रमोना भी एंड्रे से बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। उन दोनों को हमेशा साथ में देखकर एंड्रे को बहुत ही बुरा लगता है। वो एक दिन सिल्वो को समझाने लग गया। वो कहता है, रमोना को मैंने रिजेक्ट किया, शायद इसी वजह से वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इसमें तुम्हें सही से सोचना चाहिए और रमोना के साथ तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। सिल्वो इस बात पर बहुत हंसता है और फिर वो गुस्सा हो गया। कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं हैंडसम हूँ? क्या रमोना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती? रमोना आकर कहती है कि मैं सिल्वो को एक्चुअल में लाइक करती हूँ। वो सिल्वो से ये भी छूट कहती है कि एंड्रे मुझे हर रात मैसेज करता है। इस बात पर सिल्वो गुस्सा हो गया और एंड्रे को बहुत मारता है। इस सबसे अपसेट होकर एंड्रे घर पर आया, अपनी मदर को सब कुछ बात बता देता है। मदर कहती कि रमोना एक्चुअल में तुम्हारे लिए केयर करती होगी, शायद इसी वजह से तुमसे अपसेट है, तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। मदर फिर हॉलीडे के लिए एंड्रे को कहीं पर लेकर जाती है। वहां पर एंड्रे ने चेक इन करते हुए देखा तो रिसेप्शनिस्ट बहुत ही ब्यूटीफुल थी। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है एनेमोना, इसे हम एना बुलाएंगे। एंड्रे ने वहां के बारटेंडर से एना के बारे में पूछा। बारटेंडर कहता है कि वो एडल्ट वीडियो बनाती है, उसे अप्रोच मत करना। एंड्रे को बहुत अच्छी लगी थी, उसे इंट्रोडक्शन चाहता था। बारटेंडर एनो को आवाज लगा कर कहता है कि एंड्रे तुम्हें लाइक करता है। एंड्रे ने फिर जाकर उसे कहा कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। वो बहुत ही वियर्ड तरीके से उसे बात कर रहा था तो एनो को हंसी आ गई। उसे लगा कि एना थोड़ी भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो जाने लगा क्या तो एना कहती कि रात में हम बीच पर वॉक करने के लिए जा सकते हैं। ये बात उसे बहुत अच्छी लगती है। एंड्रे कहता है कि बारटेंडर तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा था। एना कहती कि वो मुझे लाइक करता था और मैंने उसे मना किया, इस वजह से वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ये दोनों एक दूसरे की फैमिलीज इधर उधर की चीज़ों को जान लेते हैं। एना ने उसे बता दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। एंड्रे ने कहा कि हमारी डेट बहुत ही अच्छी थी, पर अभी भी ये ख़त्म नहीं हुई। यहाँ इतना अच्छा मूनलाइट है, सब कुछ परफेक्ट है, हमें किस तो करना ही चाहिए। एना कहती कि मैं इतने आसानी से नहीं मानूंगी, तुम्हें मेरे लिए सिंग करना पड़ेगा। एंड्रे उसके लिए सिंग करता है, डांस करते हैं, उसके बाद इन्होंने किस कर लिया। वो फिर उसे अपने रूम में लेकर आए और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर एंड्रे की मदर उसे उठाकर कहती कि आज हमें जाना है। कल रात की वजह से एंड्रे बहुत ही खुश था, अपनी मदर से एना को मिलवाना चाहता था,
पर जब वो रिसेप्शन पर पहुंचे तो एना की जॉब ऑलरेडी किसी और ने ले ली थी। वो बाहर आकर जब उसे ढूंढने लग गया तो एना उसे मिल जाती है। एना ने कहा कि कल रात किसी ने तुम्हें मेरे रूम से बाहर आते हुए देख लिया था, होटल की पॉलिसी के खिलाफ है, इस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया है, अब इस टाउन में वो नहीं रह सकती। एंड्रयू उसे कह रहा था कि प्लीज यहाँ से मत जाओ, पर एना मना कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, वैसे भी हमारे बीच में चीजें वर्कआउट नहीं करती। घर जाते वक्त एंड्रयू बहुत ही अपसेट था, तभी उसे रमोना का मैसेज आता है, उसे मिलने के लिए बुला रही थी। वो रमोना को आकर देखता है तो उसके फेस पर चोट आई हुई थी, उसमें और सिल्वू में फाइट हुई थी और सिल्वू ने उसे मारा हुआ था। एंड्रयू कहता है कि अब मेरी गर्लफ्रेंड है, पर रमोना उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसके पास एना का मोबाइल नंबर भी नहीं था। रमोना ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हें कहाँ गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। एंड्रयू कहता है कि तुम हमेशा इसी तरीके से मुझे चिढ़ाती रहती हो, मुझे बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। रमोना ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर फिर भी वो वहां से चला जाता है। अगले दिन रमोना ने सारे क्लास को बता दिया था कि एंड्रयू ने उसे मारा, तो सब लोग उसे बहुत अपसेट थे। वो घर आकर एना को बहुत ही मिस करता है, तो मदर ने कहा तुम्हें उसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। एंड्रयू को फिर आइडिया कि शायद एना इंस्टाग्राम पर होगी, पर वो वहाँ पर भी नहीं थी, पर फिर भी वो होटल में कॉल कर एना के एड्रेस ले लेता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी सिटी में आ रहा हूँ, शायद हम दोनों डेट पर चल सकते हैं। एना इस बात के लिए मान जाती है। ये रात में एक जगह पर डांस के लिए गए, एक दूसरे के करीब आ गए और वहीं के बाथरूम में वो इंटीमेट हो जाते हैं। वहाँ के बाउंसर ने एंड्रयू को पकड़ लिया और उसे बहुत मारता है। एना उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। एंड्रयू ने उसे पूछा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को हमारे बारे में कब बताने वाली हो। एना कहती है कि हम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड रिच है और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। एंड्रयू को इस बात से बहुत बुरा लगा। नेक्स्ट डे एंड्रयू अपने दोस्त के साथ स्कूल में बैठा हुआ था, पर सब लोग उसे अजीब सा लुक दे रहे थे। कुछ लड़की आकर उनसे बात करती है और कहती है कि हमें पता चला कि तुम दोनों गे हो। एंड्रयू ने रमोना का बॉयफ्रेंड बनने से मना किया था, तो रमोना ने सबको ये बात बता दी थी। इस बात से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, अपनी स्टोरी वो सबको बताना चाहता था पर कोई भी उस पर बिलीव नहीं करेगा। स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था कार्ला, ये उसकी सब बात सुन लेती है। वो दोनों जरा हाई हो गए थे तो कार्ला उसके साथ इंटीमेट हो गई और एंड्रयू कुछ कर भी नहीं पाया। अगले दिन एंड्रयू को उसके फ्रेंड से कॉल आता है कि अब हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो सबको लगता है कि मैं गे हूँ। टाउन की सारी लड़कियों को ये बात पता चल गई है। एंड्रयू इस बात से गुस्सा हो गया और वो कहता है कि अब सबसे वो बदला लेगा। रमोना को फिर से गर्लफ्रेंड बनाने का अपना मिशन बना लेता है। उसने नया हेयर कट बनाया, वो जिम में गया, अच्छी अच्छी फोटोज लेकर इंस्टाग्राम पर डाली। इस मेकओवर के बाद सब लड़कियों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो रमोना भी उसके पास आ जाती है। वो कहता है कि अब भी तुम मुझे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। रमोना ने कहा कि तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। एंड्रयू कहता है कि ऑफकोर्स मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, चलो आज रात हम मूवी देखते हैं। रमोना भी इस बात के लिए मान जाती है और फिर इन दोनों ने किस किया। जब भी अभी मिलते थे तो इनकी करीबियां बढ़ने लग गई थी। एक दिन एंड्रयू कार्ला के पास आया, उसे बुरा ना लगे इस तरीके से वो कार्ला को समझा रहा था, पर कार्ला ही एंड्रयू को फ्रेंड जोन कर देती है। एंड्रयू के साथ सिल्वू ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया था, तो बदला लेने के लिए सिल्वू के नाम से वो कार्ला को एक गिफ्ट भेज देता है और ये वैलेंटाइन डे था। कार्ला बहुत ही खुश हो गई, उसे जाकर कहती कि आज से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। सिल्वू सरप्राइज्ड होकर इस बात के लिए मना करता है। कार्ला गुस्सा होकर कहती है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस तो तुम्हारा मेरे साथ ही था और तुम मुझे इस तरीके से ठुकरा कैसे सकते हो। पूरे स्कूल में सिल्वू की रेपुटेशन खराब हो गई। कार्ला बहुत ज्यादा गुस्सा थी तो उसे बहुत मारती है। आजाद एंड्रयू रमोना को डेट पर आने के लिए कहता है। वो दोनों एक पुराने लाइट हाउस पर जाते हैं। एंड्रयू कहता है कि जब भी मुझे अकेला लगता है तब मैं यहीं पर आ जाता हूँ, यहाँ से जिस तरीके से व्यू दिख रहा है उसी तरीके से मैं हमेशा तुम्हें देखता हूँ, सारे वर्ल्ड से मैं तुम्हें ऊपर समझता हूँ। रमोना को ये बात बहुत ही अच्छी लगी। रमोना ने कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, इस तरीके की कभी भी उसकी रिलेशनशिप नहीं थी, वो अब हमेशा के लिए यही चाहती थी। एंड्रयू ने कहा कि चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं। रमोना को जरा डिसअपॉइंटेड लगा क्योंकि उसे लगता है कि हर कोई लड़का सिर्फ एक ही चीज चाहता है। घर जाने के बाद ही इंटीमेट होने लग गए, पर एंड्रयू कहता है कि मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ। रमोना इस बात पर गुस्सा होकर जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद इनकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से चल रही थी, पर एक दिन अचानक से एंड्रयू को एना का मैसेज आ जाता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे टाउन में हूँ, एक घंटे में आकर मुझे पिकअप करना। एंड्रयू नर्वस हो गया, रमोना से कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा। कुछ भी एक्सक्यूज उसे समझ भी नहीं आ रहा था, तो रमोना को लगता है कि शायद एंड्रयू को टॉयलेट जाना है। इसके बाद वो एना को पिकअप करने के लिए आया, आते ही उसे किस कर लेती है। उसके आसपास सारे लोग डांस कर रहे थे। इसके बाद एंड्रयू एना को अपने घर पर लेकर आता है। एंड्रयू की मदर ने उसके सारी बचपन की फोटोज, अलग अलग स्टोरीज, सब कुछ एना को बताई। बेचारा इस बात से बहुत ही एम्बैरस्ड हो गया था। नेक्स्ट मोमेंट पर उसे रमोना को कॉल आता है।
उस पर गुस्सा थी क्योंकि एंड्रे फिर से उसे मिलने के लिए आया ही नहीं। एंड्रे कहता है कि मुझे कुछ काम आ गया था। रमोना ने कहा कि आज रात आते वक्त मेरे लिए फूल लेकर आना, तो सब कुछ मेरा गुस्सा चला जाएगा। एंड्रे कहता है कि आज रात मैं नहीं आ सकता, मुझे मेरे कजन के साथ जाना है। रमोना गुस्सा होकर आज रात उसे मिलने के लिए कंपलसरी कर रही थी, तो एंड्रे ने कहा कि अभी अभी हम दोनों रिलेशनशिप में आए, तुम इस तरीके से मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। गुस्से में वो फोन रख देता है। वो अब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि अब उसे रमोना के साथ रहना चाहिए या फिर एना के साथ। ये सारी बात वो अपनी मदर को बताता है। मदर ने उसे बहुत कंफ्यूज किया, पर फाइनली उसे कहती है कि अगर तुम रमोना से बहुत प्यार करते तो एना का ख्याल भी तुम्हारे मन में नहीं आता। वो डिसाइड कर लेता है कि रमोना के साथ वो ब्रेकअप कर लेगा और वो एना के पास आ गया। ये दोनों आज रात इंटीमेट हो जाते हैं। बीच रात में उसके घर के सामने रमोना आके उसे किस करने लगती है, पर एंड्रे ने उसे मना किया। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से लाइक करता हूँ, पर अब मैंने रियलाइज किया है कि मेरी खुशी कहीं और है। तुम हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करती रहती हो, हमेशा नचाती रहती हो। इस तरीके की रिलेशनशिप में मैं नहीं रह सकता। रमोना कहती कि प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो। एंड्रे उसकी कोई भी बात नहीं मानता। वो बेचारी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे साल बीत चुके हैं। एंड्रे ने एक बुक लिखी और इससे वो रिच बन गया। इतने सालों तक एना के साथ उसकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल रही थी, उसके साथ बहुत ही खुश था। बहुत सालों बाद आज उसका फ्रेंड उसे मिलने के लिए आ रहा था। उसके पास वो चला जाता है। सारे लोग उसका ऑटोग्राफ ले रहे थे, तभी रमोना उसके पास आ गई। उसने कहा कि तुम कॉन्टेक्ट में रहे ही नहीं। एंड्रे को बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, पर रमोना कहती है कि हमेशा तुम्हारे बारे में मैं सोचती आ रही हूँ। वो फिर से उसके करीब आने लग गई थी, तो एंड्रे वहां से उठकर चला जाता है। रमोना उसके पीछे पीछे आई और कहती कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा मजाक कर रही थी, अब मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ एंगेज्ड हूँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। उस बिजनेसमैन के साथ उसकी रिलेशनशिप कितनी परफेक्ट है इसके बारे में उसे बता रही थी, पर एंड्रे एना को मैसेज कर रहा था। इस बात से रमोना बहुत गुस्सा हो गई, उल्टी सुलटी गाड़ी चलाने लग जाती है, तो एंड्रे उसे स्टॉप कर देता है। वो रोने लग गई, कहती कि मेरे फियांसे के साथ मेरी रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद सच्चा प्यार करने वाला मुझे कोई भी नहीं मिला। एंड्रे को उस पर तरस आता है, तो रमोना जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लग गई और उसे स्टॉप नहीं कर पाया। एंड्रे को बहुत ही ज्यादा गिल्टी लगा। वो अपने फ्रेंड के पास आकर उसे सब कुछ सिचुएशन बता देता है। वो कहता है कि क्या मुझे ये सब बात एना को बता देनी चाहिए। फ्रेंड ने कहा कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को बता दिया तो गुस्से में उसने मेरे पेट को मार दिया था। सच बताने से कुछ भी अच्छा निकलने नहीं वाला। एंड्रे उसकी ये बात मान लेता है, और जब वो घर पर पहुंचा तो एना वहां से चली गई थी। उसे रमोना का मैसेज आता है और उसने कहा कि मैंने एना को सब कुछ बता दिया, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं तो किसी और के साथ भी मैं तुम्हें खुश रहने नहीं दे सकती। एंड्रे बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया। अचानक से उसे खुद की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उसे अपने फ्यूचर से आ रही थी। फ्यूचर के एंड्रे ने कहा कि तुम्हारी स्टोरी की इस तरीके से एंडिंग नहीं हो सकती, हम पास्ट में जा सकते हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं। एंड्रे विश करता है कि शायद उसने कभी भी रमोना को अप्रोच किया ही नहीं होता। वो फिर डायरेक्टली अपने स्कूल के दिनों में पहुंच गया। सिल्वू जब कह रहा था कि जाकर तुम्हें रमोना से बात करनी चाहिए, तभी उसे पंच कर देता है। अब इसके बाद एना के साथ उसकी रिलेशनशिप को कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, सब कुछ परफेक्ट होगा। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये अटपटी मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।